अगर बेन 10 की ओमनी के एक्सीलियंस की फाइट हो जाए कभी बेन 10 के कुछ नॉर्मल एलियन से, तो इस फाइट का विनर कौन होगा, बेन 10 के ओमनी के एक्सीलियंस या फिर नॉर्मल एलियंस? तो मैं दोनों ही टीम से 5-5 एलियंस लूंगा और फिर उनका बैटल कराऊंगा। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। बताया था हूँ बेन 10 के जो ओमनी के एक्सीलियंस में लिया हूँ, तो बेन 10 के ओमनी के एक्सीलियंस हैं ओमनी के ह्यूमंगसोर, ओमनी के स्पोरम्स, ओमनी के हीट ब्लास्ट, ओमनी के जेट्रे एंड ओमनी के शॉक रॉक। अब बताया था हूँ जो मैंने नॉर्मल एलियंस लिए हैं वो है सोमफायर, गूप, फीडबैक, डायमंड हेड एंड बिग चिल। तो ये एलियन मैंने लिए हैं बेन 10 नॉर्मल एलियन से। तो चलिए बिना देरी के फाइट को कर देते हैं स्टार्ट राउंड वन से। राउंड वन में फाइट करेंगे ओमनिक्स ह्यूमंगसोर वर्सेस सोमफायर। पहले जान लेते हैं ओमनिक्स ह्यूमंगसोर के बारे में। ओमनिक्स ह्यूमंगसोर के पास कई सारे पावरफुल पावर्स एंड एबिलिटीज है, जैसे कि इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एबिलिटी, पावरफुल रोर, स्पाइक मैश टेल, और इसके पास इन्हें जंपिंग की पावर है, जिससे कितनी भी लंबी जंप लगा सकता है और अपनी टेल को मैच करके किसी पॉइंट पर उसको थ्रो करके उस पर अटैक कर सकता है। ये अपने पंचेस का भी अटैक करता है फाइट के टाइम, और इसकी ऐसी बॉडी इसको बहुत एडवांटेज देती है फाइट के टाइम पर। तो ये थी इसकी कुछ पावर पावर्स एंड एबिलिटीज़। अब बात कर लेते हैं इसकी वीकनेस की। तो इसकी वीकनेस ये है कि इसका इतना बड़ा शरीर इसको एक स्लो एलियन भी बनाता है। तो अब बात करते हैं इसके पॉइंट की, जो कि है सोमफायर। सोमफायर के कई सारे पावरफुल पावर्स एंड एबिलिटीज़ है, जैसे कि इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एबिलिटी। इसके पास रीजनरेशन की पावर है, मतलब कि अगर इसे कोई एक बार डिस्ट्रॉय कर देता है तो ये फिर से रीजनरेट, मतलब कि रिक्रिएट हो सकता है। इसके पास प्लांट्स को साइकिक पावर से कंट्रोल करने का अटैक है, और फायर को भी अपने थॉट से ही कंट्रोल करने का अटैक है, जिसे कहते हैं पायरोकिनेसिस एंड क्लोरोकिनेसिस। इसके पास रीजनरेशन की पावर है और ये अपनी पायरोमिनिटी को कितने भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकता है। इसकी बात अगर करें वीकनेस की, तो इसकी वीकनेस है इलेक्ट्रिसिटी से, यानी शॉक स्कॉच, एम्फीबियन या फिर ब्रेनस्टॉर्म इसे इजिली डिफीट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों में कोई फाइट होगा तो इस फाइट का विनर कौन होगा। तो इस फाइट का विनर होगा सोमफायर। वो कैसे यार, देखिए ओमनी के ह्यूमंगसोर जब भी उस पर अटैक करेगा तो उसके पास रीजनरेशन की पावर है, जिससे कि वो फिर से रीजनरेट हो जाएगा और उस पर अपने फायर अटैक से अटैक करके उसे इजिली डिफीट कर देगा। तो इस राउंड का विनर होता है सोमफायर। अब चलते हैं सेकेंड राउंड की तरफ। तो सेकेंड राउंड में फाइट करेंगे ओमनी के स्पोरम्स वर्सेस गू। अब पहले जान लेते हैं ओमनी के स्पोरम्स के बारे में। ओमनी के स्पोरम्स के पास कई सारे पावरफुल पावर्स एंड एबिलिटीज हैं, जैसे कि इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एबिलिटी। ये अपने चारों हाथों की पावर से एक बहुत ही तेज शॉक वेव भी क्रिएट कर सकता है। इसके पास भी पावरफुल रोर की पावर है, और ये कितनी भी लंबी जंप लगा के अपने पॉइंट पर अटैक कर सकता है। चार हाथ और ऐसी बॉडी होने के कारण इस पर बहुत ज़्यादा एडवांटेज है अपने पॉइंट से फाइट करने में। इसकी बॉडी इसे बहुत ज़्यादा एडवांटेज देती है फाइट के टाइम। तो यार अब बात कर लेते हैं इसकी वीकनेस की। तो यार इसकी इतनी बिग बॉडी इसे एक स्लो एलियन भी बनाती है, और ये छोटी जगह में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी स्मॉल स्पेस में, कम जगह में, लाइक क्रिस बकेट। अब बात कर लेते हैं गूप की। तो यार गूप के पास भी कई सारे पावरफुल पावर्स एंड एबिलिटीज हैं, जैसे कि इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एबिलिटी, और इसके पास शेप शिफ्टिंग की पावर है, यानी कि अपने शरीर को किसी भी आकार में ढाल सकता है, चाहे स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल एंड मैनी मोर। और इसके पूरे शरीर का कंट्रोल इसके ऊपर वाले एंटी डिवाइस प्रोजेक्टर में होता है। अगर ये अपनी शेप शिफ्टिंग की पावर से ज़मीन पर फैल भी जाता है तो इसका एंटी डिवाइस प्रोजेक्टर तो आराम से दिखता है, जिससे कि अपॉइंट इस पर वार कर सकता है। और इसकी वीकनेस की बात की जाए तो यार इसके जो एंटी डिवाइस प्रोजेक्टर है उसको अगर ब्रेक कर दिया जाए तो इसके पूरे शरीर का कंट्रोल खो देता है, यानी कि पूरा शरीर इसका एंटी डिवाइस प्रोजेक्टर से ही कंट्रोल होता है। तो अब बात कर लेते हैं ओमनी के स्पोरम्स एंड गूप में फाइट होगी तो इस फाइट का विनर कौन होगा। तो इस फाइट का विनर होगा ओमनी के स्पोरम्स। वो कैसे यार, गूप के पास शेप शिफ्टिंग की पावर है। शेप शिफ्टिंग कोई और पावर है ही नहीं उसके पास। अगर वो शेप शिफ्टिंग करेगा किसी भी चीज़ में तो उसका एंटीडोस प्रोजेक्टर दिखेगा ना, और ओमनी के स्पोरम्स अपनी पावर से उसको तोड़ देगा अपनी चार हाथों की पावर से। तो ऐसे ओमनी के स्पोरम्स इस फाइट को जीत जाएगा। तो अब चलते हैं थर्ड राउंड की तरफ। तो थर्ड राउंड में फाइट होगी ओमनिक्स जेट्रे वर्सेस डायमंड हेड। पहले जान लेते हैं ओमनिक्स जेट्रे के बारे में। ओमनिक्स जेट्रे के पास कई सारे पावरफुल पावर्स एंड एबिलिटीज हैं, जैसे कि इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एबिलिटी। इसके पास हवा में बहुत तेज़ी से उड़ने की भी पावर है, यानी कि ये हवा में बहुत तेज़ी से फ्लाई तो कर ही सकता है, अपनी स्पीड को भी इंक्रीज कर सकता है। ये अंडर वाटर ब्रेथ कर सकता है, पानी में भी बहुत तेज़ी से फ्लाई कर सकता है, और उसमें घूमते घूमते भी तूफान ला सकता है। अब बात करते हैं इसकी वीकनेस की। तो ओमनिक जेट्रे की एक ही वीकनेस है कि अगर इसका
फाइट ग्राउंड टाइप जगह में हो तो इसकी वीकनेस होती है उस जगह में, और इसको स्पाइडर मंकी इजीली डिफीट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके अपोनेंट की, जो कि है डायमंड हेड। डायमंड हेड के पास कई सारे पावरफुल पर्सनैलिटीज़ हैं, और ये बैन का एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एलियन है। इसके पास की पावर्स की बात की जाए तो वो है इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एबिलिटी, क्रिस्टलोकिनेसिस, और ये कहीं पर भी अपने डायमंड्स को थ्रो कर सकता है और डायमंड की स्लाइड बना के उन पर आराम से स्लाइड कर सकता है। चाहे तो ये क्रिस्टल्स की वॉल बना सकता है या फिर क्रिस्टल की रोड बना सकता है, और उन पर इजीली स्लाइड भी कर सकता है। अब बात करते हैं इसकी वीकनेस की, तो यार एको के साउंड वेव से इसे इजीली डिफीट किया जा सकता है, क्योंकि ये इसकी पूरी बॉडी क्रिस्टल की बनी होती है, क्रिस्टल पर अगर ज़्यादा वॉइस डालो तो वो ब्रेक होने लगता है, तो इससे इसकी वीकनेस होती है। अब बात करते हैं कि ओमनी के जेट्रे और डायमंड हेड में फाइट होगा तो इस फाइट में कौन होगा, तो इस फाइट को इजीली ओमनी के जेट्रे जीत जाएगा। वो कैसे यार, देखो जब भी डायमंड हेड उस पर क्रिस्टल के अपने अटैक करेगा, उस पर क्रिस्टल थ्रो करेगा, तो ओमनी के जेट्रे बहुत तेज़ी से फ्लाई करेगा, और फिर बाद में जैसे उसे मौका मिलेगा वो अपने न्यूरोशॉक ब्लास्ट से उसको ख़त्म कर देगा, मतलब कि तोड़ भी सकता है उसे और हार्म भी पहुंचा सकता है, तो इसलिए ओमनी के जेट्रे इस राउंड को जीत जाएगा आराम से। बट अगर आपको डायमंड हेड लगता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, वो भी कारण के साथ। अब चलते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ। नेक्स्ट राउंड में फाइट होगा ओमनी के शॉक रॉक वर्सेस बिग चिल। पहले जान लेते हैं ओमनी के शॉक रॉक के बारे में। तो यार ओमनी के शॉक रॉक के पास कैसे पावरफुल पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे कि इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इसके पास इलेक्ट्रोकिनेसिस की पावर है, इलेक्ट्रिक कॉम्बैट की पावर है, और इनहेंस्ड इलेक्ट्रोकिनेसिस की पावर है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने थॉट से कंट्रोल कर सकता है और इलेक्ट्रिसिटी को अपने साइकिक पावर से भी कंट्रोल कर सकता है। अब बात कर लेते हैं ओमनी के शॉक रॉक की वीकनेस के बारे में। तो यार इसकी वीकनेस की बात की जाए तो ये अपनी स्पीसीज के किसी एलियन से इजीली डिफीट हो जाएगा। जी हाँ यार, यही इसकी वीकनेस है, वरना फैंडम में आप चेक कर सकते हो, बेंटन फैंडम में। तो अब बात करते हैं इसके पॉइंट की, जो कि है बिग चिल। बिग चिल के कई सारे पावरफुल पावर्स एंड एबिलिटी में, जैसे कि इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एबिलिटी, स्पेस सर्वाइवेबिलिटी, और स्पेस में अनलिमिटेड टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। ये किसी भी पर्सन को या फिर किसी भी एलियन को छूकर उसे फ्रीज कर सकता है और उस पर इजीली अटैक कर सकता है। ये इनविजिबल भी हो सकता है और ये तेज़ी से फ्लाई भी कर सकता है, इनविजिबल होते हुए भी फ्लाई कर सकता है। अब बात कर लेते हैं इसकी वीकनेस की। तो यार इसकी वीकनेस की बात की जाए तो दरअसल ये उन एलियंस के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है जो कि पहले से ही इनविजिबल हो सकते हैं, जैसे कि घोस्ट फ्रीक, तो उससे ये इजीली डिफीट हो सकता है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि ओमनी का एक शॉक रॉक और बिग चिल में फाइट होगा तो इस फाइट का विनर कौन होगा। तो यार इस फाइट का विनर जो होगा वो है बिग चिल। जी हाँ यार, बिग चिल कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। जब भी ओमनी का एक शॉक रॉक उस पर अटैक करेगा तो बिग चिल ईजिली इसे इनविजिबल हो जाएगा, और वो फ्लाई भी करेगा और अपनी फ्रीजिंग टच से उसको फ्रीज कर देगा, और फिर उस पर जो भी अटैक करना है वो कर देगा और उसे डिफीट कर देगा। और वो तो इलेक्ट्रिसिटी का है, और फ्रीजिंग में यानी कि वो भी तो थोड़ा थोड़ा वाटर का ही होता है ना, तो इससे उस पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा, जिससे कि इजीली डिफीट हो जाएगा ओमनी के शॉक रॉक। तो इस फाइट को जीतता है बिग चिल। अब चलते हैं लास्ट राउंड की तरफ। तो लास्ट राउंड में फाइट होने वाला है ओमनी के हीट ब्लास्ट वर्सेस फीडबैक। पहले जान लेते हैं ओमनी के हीट ब्लास्ट के बारे में। ओमनी के हीट ब्लास्ट के पास कई सारे पावरफुल पावर्स एंड एबिलिटीज हैं, जैसे कि इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एबिलिटी। ये अपनी पायरो इम्यूनिटी को इंक्रीज कर सकता है, कितनी भी ज़्यादा इंक्रीज भी कर सकता है, वैसे इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज तो करेगा ही नहीं। और यार ये पायरोकिनेसिस अटैक कर सकता है। पायरोकिनेसिस अटैक होता है फायर से रिलेटेड एक साइकिक अटैक, यानी कि अपने थॉट से या फिर किसी भी चीज़ से इजीली फायर को कंट्रोल कर सकता है, और अपनी फायर को कितनी भी ज़्यादा इंक्रीज करके अपने अपोनेंट पर थ्रो कर सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके अपोनेंट की, जो कि है फीडबैक। फीडबैक के पास कई सारे पावरफुल पावर्स एंड एबिलिटीज़ हैं, और ये बेंटन का एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एलियन भी है। फीडबैक के पास हैं इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एबिलिटी। ये अपने अपोनेंट की पावर को अब्जॉर्ब करके उस पर वापस थ्रो कर सकता है, ये अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा एनर्जी को बना सकता है, और इलेक्ट्रिसिटी अटैक भी कर सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रोकिनेसिस, और इलेक्ट्रिसिटी को अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकता है। ये स्पेस में भी सॉल्व कर सकता है, वो भी अनलिमिटेड टाइम तक। तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों में कोई फाइट होगा तो इस फाइट का विनर कौन होगा। तो इस फाइट का जो विनर होगा वो है ओमनिक्स हीट ब्लास्ट। अब आप में से कई लोगों को फीडबैक लग रहा होगा, अगर आपको जैसे भी लग रहा है मेरे को कारण समेत कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। वैसे मैं आपको कारण बता देता हूँ ओमनिक्स हीट ब्लास्ट कैसे, या जितनी देर में फीडबैक अपनी एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, मतलब अपनी नहीं अपने पॉइंट से एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा या फिर अपनी इलेक्ट्रिसिटी अटैक करेगा, इतनी देर में ओमनिक्स हीट ब्लास्ट के पास कई सारे अटैक हैं फायर से रिलेटेड, जैसे कि पायरो लेज़र या फिर पायरोकिनेसिस, तो वो उस पर फायर के अटैक कर देगा, कुछ टाइम नहीं लेगा, और फीडबैक भी इजीली डिफीट हो जाएगा।
तो इस तरह से इस राउंड को जीत लेगा ओमनिकिक्स हीट ब्लास्ट। तो यार ये 5 विनर्स बने हैं 5 राउंड्स में। अगर आपको नहीं याद भूल गए हो तो मैं बता देता हूँ फिर से। राउंड 1 में बना था सोमफायर, राउंड 2 में बना था ओमनिकिक्स 4 आर्म्स एंड राउंड 3 में बना था ओमनिकिक्स जेट्रे एंड राउंड 4 में बना था बिग चिल एंड राउंड 5 में बना है ओमनिकिक्स हीट ब्लास्ट। तो ये हैं 5 विनर्स हमारे, यानी कि अब साफ साफ पता चल रहा है कि टीम ओमनिकिक्स जीत चुकी है इस राउंड को। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो ये लिस्ट तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बहुत मेहनत लगी यार बनाने में। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी कौन सी टीम फेवरेट है या फिर आपका कौन सा एलियन जीतना चाहिए था जो मैंने हरा दिया है, मैं वो कारण समझ जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। कमेंट पॉजिटिव करना यार, वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है तो शायद आपको पसंद नहीं आई हो, लेकिन आपको जरूर पसंद आई होगी। तो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। सो ओके बाय।